हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स मार्च 2019 के बारे में। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के किस बिग कमांडर को भारत को सौंप दिया है? तो यह है बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। अगली बात करते हैं, 1 मार्च 2019 को किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश जारी किया गया? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अगला, 1 मार्च 2019 को IRCTC ने किस नाम से अपना डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? तो यह IRCTC iPay। अगला, 1 मार्च 2019 को जारी इनक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो यह 47वें। अगला, 1 मार्च 2019 को जारी दुनिया की 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शामिल एकमात्र एशियाई कौन है? तो मुकेश अंबानी, 8वें नंबर पर। अगला, 1 से 2 मार्च 2019 को अबूधाबी में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन के पूर्ण सत्र में पहली बार विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत शामिल देश कौन है? तो भारत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला है, 2 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के हैं। अगला है, 2 मार्च 2019 को वियतनाम में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो है पेडर कुमार वर्मा। अगला है, 2 मार्च से 2019 के मध्य किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 संचालित हुआ? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला है, 2 मार्च 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह हसमुख अधिया। अगला है, 3 मार्च 2019 को उड़ीसा का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह। अगला है, 3 मार्च 2019 को दुबई टेनिस चैंपियन जीतकर 100वां सिंगल्स जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोजर फेडर, स्विट्जरलैंड के हैं। अगला है, 3 मार्च 2019 को किस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो क्रिस गेल, 39 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ। अगला है, 3 मार्च 2019 को कौन सा देश IEA बायो एनर्जी नामक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन का 25वां सदस्य बना है? भारत। अगला है, 3 मार्च 2019 को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो यह भगवान लाल साहिनी। अगला है, 3 मार्च 2019 को किस विषय के साथ पूरे विश्व में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? तो यह लाइव बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानेट। अगला है, 4 मार्च 2019 को अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड से किसे सम्मानित किया? DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी को। अगला है, 4 मार्च 2019 को रूस आधिकारिक रूप से किस देश के साथ परमाणु शक्ति संधि से अलग होने का फैसला किया है? तो अमेरिका। अगला है, 5 मार्च 2019 को अमेरिका ने किस देश के साथ GDP सामान्य वरीय प्रणाली खत्म करने का फैसला किया है? भारत। अगला है, 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां प्रधानमंत्री स्वयं योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? तो गुजरात के गांधीनगर में। अगला है, 5 मार्च 2019 को भारत ने किस राज्य में बोल्ड क्विट एक सीमा सुरक्षा संगठन लागू किया है? तो असम में। अगला है, 6 मार्च 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर ने को प्रदान किया गया? इंदौर को। अगला है, 6 मार्च 2019 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी रहे हैं 13वें स्थान पर। अगला है, 6 मार्च 2019 को किस कंपनी द्वारा बोलू ऐप शुरू किया गया? तो गूगल द्वारा। अगला है, 6 मार्च 2019 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बना है? तो मलेशिया, 124वां। अगला है, 6 मार्च 2019 को फोर्ब्स द्वारा पत्रिका द्वारा अब तक की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे नामित किया गया? काइली जेनर। अगला है, 7 मार्च 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जन औषधि दिवस।
अगला है 7 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? भारतीय अमेरिकी पदम लक्ष्मी को। अगला है 7 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित पितृज्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? जापानी आर्किटेक्ट अराता एजो एसोजाकी ने। अगला है 8 मार्च 2019 को WHO ने किसको मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया? तो भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शोधकर्ता सौम्या स्वामीनाथन। अगला है 8 मार्च 2019 को कुम्मनम राजशेखरन ने किस राज्य का राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? तो मिजोरम। अगला है 8 मार्च 2019 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो है थिंक इक्वल वर्ल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज अभियान था बैलेंस फॉर बेटर। अगला है 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितना कनेक्शन प्रदान किया गया? 7 करोड़। अगला है 8 मार्च 2019 को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो है ओसाफ सईद। अगला है 9 मार्च 2019 को केरल के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक के रूप में टैग दिया है? तो मरयूर गुड़। अगला है 9 मार्च 2019 को भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो है सुभाष चंद्र गर्ग। अगला है 9 मार्च 2019 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किसको सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा है? तो जापानी महिला काने तनाका को। अगला है 9 मार्च 2019 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी विधेयक को मंजूरी दी है? मिजोरम ने। अगला है 9 मार्च 2019 को किस देश के बोइंग 737 विमान दुर्घटना में 157 यात्री एवं चालक दल के 8 सदस्यों की मौत हो गई? तो यह इथियोपिया। अगला है 10 मार्च 2019 को फिनलैंड के हेलसिंकी में संपन्न 38वें जीवी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो कविंदर सिंह बिष्ट 56 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला है 10 मार्च 2019 को 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के तहत चुनाव कितने चरणों में होगा? 7। अगला है 7 मार्च 2019 को किसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। अगला है 10 मार्च 2019 को संपन्न ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो क्रमशः है केंटो मोमोटा और चेन यूसेफ है, चीन की है और जापान की है केंटो मोटा। अगला है 11 मार्च 2019 को फिलिस्तीन के नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया? तो मोहम्मद सते। अगला है 11 मार्च 2019 को भारत ने किससे गाइडेड रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया है? तो यह पिनाक गाइडेड रॉकेट प्रणाली। अगला है 12 मार्च 2019 को किस भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया? तो अजीत कुमार को मोहंती है। अगला है 12 मार्च 2019 को बारबी रोल मॉडल के रूप में किसे चुना गया? तो भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर को। अगला है 12 मार्च 2019 को संयुक्त सेना अभ्यास अल नगाह थर्ड 2019 किन दो देशों के बीच हुआ? ओमान और भारत के बीच। अगला है 13 मार्च 2019 को मिजोरम का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो सी लाल साहोता को। अगला है 13 मार्च 2019 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अचल अमृत योजना की घोषणा की है, शुरुआत की है? तो उत्तराखंड। अगला है 13 मार्च 2019 को वायलिंग में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? भारत ने। अगला है 14 मार्च 2019 को बेटन ने किस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में ब्लेड हॉल सिक्का जारी किया? तो स्टीफन हॉकिंस। अगला है 14 मार्च 2019 को किस विषय के साथ विश्व किडनी दिवस 2019 मनाया गया? तो यह किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। अगला है 14 से 21 मार्च 2019 के बीच विशेष ओलंपिक खेल 2019 का आयोजित कहाँ हो रहे हैं? यूएई में। अगला है 14 मार्च 2019 को भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 कहाँ हुआ है? तो बांग्लादेश के तंगेल में। अगला है 15 मार्च 2019 को एक्सिस बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश मखीजा। अगला है 15 मार्च 2019 को तमिलनाडु के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? तो अपरदित हल्दी को।
अगला है 5 मार्च 2019 को जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना है भारत। अगला है 15 मार्च 2019 को वर्ष 2018 व्यास सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया, तो लीलाधर जगूड़ी, कविता है जिसने लोग उन उतने प्रेम के लिए। अगला है 15 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग केस में किस क्रिकेटर पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया, श्री संत। अगला है 15 मार्च 2019 को विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला है 15 मार्च 2019 को किस दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है, तो जेपी डोमेनी। अगला है 16 मार्च 2019 को की गई घोषणा के अनुसार अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत। अगला है 16 मार्च 2019 को लेडीज यूरोपीय टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बन गई, तो दीक्षा डागर। अगला 17 मार्च 2019 को जीवन बीमा निगम LIC का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो यह MR सुकुमार। अगला है 17 मार्च 2019 को मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, गोवा के। अगला है 17 मार्च 2019 को वर्ष 2019 के नोबल शांति पुरस्कार हेतु किसे मनोनीत किया गया, ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन को। अगला 18 मार्च 2019 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मास्टर्स 2019 का खिताब जीता है, तो यह बेंका एंडिस्क्यू। अगला है 19 मार्च 2019 को किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 6 आयोजित किया गया, भारत श्रीलंका के बीच। अगला है 19 मार्च 2019 को मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद किसे भाजपा नेता ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है, तो यह प्रमोद सावंत। अगला है 19 मार्च 2019 को नूर सुल्तान नजर वायो ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तो है कजाकिस्तान। अगला है 19 मार्च 2019 को भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए, तो यह न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस। अगला है इसे याद रखिए, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए, तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 20 मार्च 2019 को विशेष ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 85 स्वर्ण सहित कुल 368 पदक। अगला है 20 मार्च 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, सिंगापुर। अगला है 20 मार्च 2019 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 140वां, प्रथम पे है फिनलैंड। अगला है 20 मार्च 2019 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया, तो नूर सुल्तान। ठीक है। अगला 21 मार्च 2019 को किस प्रसिद्ध चित्रकार का निधन हो गया, तो यह हाकू साह, याद रखिए हाकू साह। अगला 21 मार्च 2019 को किस देश की सरकार ने देश भर में असॉल्ट राइफलों और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, तो न्यूजीलैंड ने। अगला 21 मार्च 2019 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, वर्ष 2019 में इस दिवस का विषय रहा है वन और शिक्षा। अगला 21 मार्च 2019 को फोन पे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आमिर खान को। अगला है 22 मार्च 2019 को किससे किसी को पीछे नहीं छोड़ना विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व जल दिवस। अगला है 22 मार्च 2019 को पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी है, गौरी सावंत। अगला है 22 मार्च 2019 को एवल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारत महिला कौन बनी, तो यह करेन ओहलेन बेक। अगला है 22 मार्च 2019 को टैम लटन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, मार्सेलो ग्लीसर ब्राजील की। अगला 23 मार्च 2019 को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो है शहीद दिवस। अगला 23 मार्च 2019 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, तो है द सन द अर्थ एंड द वेदर। अगला 23 मार्च 2019 को घोषणा अनुसार भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख कौन होंगे, 22 एडमिरल करमबीर सिंह। अगला 24 मार्च 2019 को इंडियन प्रीमियर लीग
मैं 5,000 रन बनाने वाले पल्ले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो सुरेश रैना। अगला है 24 मार्च 2019 में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? राजीव को। अगला है हमारा 24 मार्च 2019 को 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह रणवीर सिंह कपूर और आलिया भट्ट। रणवीर सिंह कपूर की संजू फिल्म के लिए, आलिया भट्ट की राजी फिल्म। अगला 24 मार्च 2019 को यही समय है विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है विश्व टीवी दिवस। अगला है 25 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना ने किस हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया? तो चिनूक। अगला है 25 मार्च 2019 को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के लिए कोच किसे नामित किया गया? तो यह वेस्लिन मैटिंग। अगला है 25 मार्च 2019 को अमेरिका द्वारा अब तक के सबसे तेज किस नाम से सुपर कंप्यूटर बनाने का निर्णय लिया? तो ओरोरा। अगला है 25 मार्च 2019 को भारतीय नौसेना का अवैध प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रशिक्षण सुविधा केंद्र में शुरू किया गया? INS शिवाजी में। अगला है 26 मार्च 2019 को विश्व की 5वीं सबसे ऊंची किस चोटी पर जाने वाले पहली भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो मकालू। अगला है 26 मार्च 2019 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 76वां। प्रथम पर है स्वीडन। अगला है 26 मार्च 2019 को किस देश द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया? नॉर्वे। अगला है 26 मार्च 2019 को किस देश द्वारा हिंदू तीर्थ यात्री हेतु शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की योजना को सहमति प्रदान की गई? पाकिस्तान। अगला है 27 मार्च 2019 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े प्रतिष्ठित बोडले मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो अमित सेन। अगला है 27 मार्च 2019 को मोरक्को के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो है शंभू एस कुमारन। अगला है 27 मार्च 2019 को भारतीय नौसेना संचालन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह MA हम्पी होली। अगला है 27 मार्च 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह विश्व रंगमंच दिवस। अगला है 28 मार्च 2019 को किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमी स्लाब से सम्मानित किया गया? क्रोएशिया। अगला है 28 मार्च 2019 को मार्था फेरेल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? मनु गुलाटी को। अगला है 28 मार्च 2019 को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? मनोहर आजगांवकर। अगला 28 मार्च 2019 को किस संसद ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया? यूरोपीय संसद। अगला 29 मार्च 2019 को प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेश जोशी। अगला 29 मार्च 2019 को SBI के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय फर्म के में किसे नामित किया गया? PFC को, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला है 30 मार्च 2019 को मनाए गए अर्थ ओवर अभियान का थीम क्या रखा गया? जीने का तरीका बदलो। अगला है 30 मार्च 2019 को विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश का गांव तसीगंग। अगला है 30 मार्च 2019 को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का खिताब किसे मिला है? सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे। अगला है 30 मार्च 2019 को विश्व किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? राजस्थान। अगला 31 मार्च 2019 को बेनिन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभय ठाकुर। अगला 31 मार्च 2019 को PolicyX.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को। अगला 31 मार्च 2019 को किस देश के गुफा खोजकर्ताओं ने दुनिया की सबसे लंबी गुफा मलहम की खोज की है? इजराइल ने। अगला 31 मार्च 2019 को इलेक्ट्रिक टैक्सी तो वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला विश्व का पहला शहर बना है? ओस्लो। अगला 31 मार्च 2019 को सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का खिताब किसने जीता है? यह दक्षिण कोरिया ने, भारत को हराकर। चलिए तो ये थी हमारी मार्च 2019 की करंट अफेयर्स।